अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ये गंदम की फसल है, इसको तेले का अटैक हो गया, जो तेला ऊपर पड़ जाता है जिस वजह से गंदम की प्रोडक्शन मुतासर हो जाती है। अभी आपको दिखाते हैं कि जी तेला किस तरह से है। इधर आइए जी, ज़रा ये दिखाएं आके क्लोज। ये देखें जी, ये तेला इसके ऊपर अटैक कर चुका है इस तरह से। ये देखिए, ये देखें जी, ये दिखाइए व्यूवर्स को, ये दिखाएं, ये देखें जी, ये तेले का अटैक हो चुका है इसके ऊपर। तो इस तेले के लिए हम इसको जो स्प्रे करने जा रहे हैं, ये संजीटा की प्लेनम है, जो कि हमने ये कीड़े मार जहर इसको करनी है, और इसके साथ एजीबियन का स्प्रे भी कर रहे हैं, ताकि जो इसके ऊपर सिट्टा है वो मोटा और के अंदर दाना बनना है वो मोटा और ताज़ा हो जाए। तो आप भी तमाम किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी फसल को बखूबी आप ज़रा देखें कि क्या उसके ऊपर जो तेला है उसका अटैक तो नहीं हो चुका। अगर तेले का अटैक हो चुका है तो उस वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। तो अभी आपके साथ ये प्लैनम है जी, प्लैनम हम शेयर करने जा रहे हैं। इसको अभी मिक्स करेंगे हम और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका स्प्रे करना है। और इसी के साथ ही हम ये जो एजीबियन है, एजीबियन, ये दोनों जो स्प्रे हैं ये हम एक ही टाइम पे करेंगे गंदम के ऊपर। ये 120 ग्राम का है टोटल पैक, ये 2 एकड़ का है। और इसी तरह ये एजीबियन 400 ml है, ये है 1 एकड़ के लिए। तो इस सारे का हम एक मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद फिर इसको हम स्प्रे करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि जी किस तरह से इसको हमने मिक्स करना है और किस तरह से फिर स्प्रे करनी है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा भाई। खालस साहब हैं माशाल्लाह, मेरे बड़े भाई हैं, क्लास फेलो भी हैं। तो माशाल्लाह ये स्प्रे हम करने लगे हैं। इसके अंदर हमने ये सारा, ये देखिए इस कलर की है ये स्प्रे, ये जी जहर है जो इसके अंदर हमने डाल दिया है। ये आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह का कलर है इसके, मिट्टी से कलर का। और अभी इसके अंदर ये एजीबियन डालने लगे हैं, ये देखें, ये एजीबियन को भी हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। ये क्योंकि 2 एकड़ को स्प्रे हम करने जा रहे हैं, तो 2 एकड़ के लिए ये जो एजीबियन है वो 800 ml करनी है। तो ये 800 ml को इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसके बाद जितना मिक्सचर तैयार होगा उसको 2 एकड़ के लिए डिवाइड करके तो उसके अकॉर्डिंगली हम कर देंगे। ये गंदम की फसल खड़ी हुई है जी, ये देखिए, इसके ऊपर तेले ने भी अटैक किया है और सिट्टा क्योंकि इसका थोड़ा छोटा नज़र आ रहा था हमें, तो इस वजह से आज इसको हम स्प्रे करने जा रहे हैं। ये देखिए, अगर आप को नज़र आए यहाँ पे तो ये देखें जी, ये इसके ऊपर ये तेले का अटैक हो चुका है। ये मुकम्मल तौर पे ये जो महलूल उसके अंदर है उसको ज़रा निकाल रहे हैं ताकि जो मैक्सिमम है उसकी आउटपुट आ सके। ये टैंकी है जी, ये जो जिसके साथ हमने स्प्रे की मशीन है, इसका भी अगर आपके साथ शेयर करें तो ये पीछे इसके इंजन लगा हुआ है, इंजन के साथ इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये स्प्रे करना शुरू कर देंगे। ये देखें, ये टैंकी स्टार्ट कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई स्प्रे करने लगे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इसके ऊपर तेला वगैरह है जिसका हमला हो चुका है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाए। ये नोज़ल स्प्रे है जी, जिसके साथ स्प्रे कर रहे हैं। टैंकी के पीछे जो है, जो स्प्रे मशीन है, इसके पीछे ये इंजन लगा हुआ है, इंजन के ऊपर ये चल रही है। और ये नोज़ल है, इसका जो थ्रो है ये काफ़ी दूर तक जाती है और इसी तरह से इसको ये स्प्रे करते जाएंगे।
ये देखिए जी, आपको दिखा रहे हैं ये नोज़ल के साथ आगे से स्प्रे कर रहे हैं। तो ये जो दोनों स्प्रे किए हैं, इसका एक फंक्शन तो ये है कि ये इस गंदम के अंदर जो इसका दाना है वो मोटा हो, और ताकि जो गंदम की पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और दूसरा, इसके ऊपर क्योंकि तेले ने हमला कर दिया हुआ है, तो जो तेला है वो दूसरी जो स्प्रे हमने आपको दिखाई थी उसके साथ इसके ऊपर जो तेला है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और पैदावार अच्छी होगी। आप किसान भाइयों से दरख्वास्त है कि अगर आप की गंदम सिट्टा निकाल चुकी है सारा अब तक, तो आप ज़रा अपने फील्ड का विज़िट करें, और फील्ड का विज़िट करने के बाद आप देखें कि उसके ऊपर अगर तेला ने अटैक कर दिया हुआ है, तो फिर आप उसको फिल फोर आप उसको स्प्रे करवाएं, ताकि ये जो बीमारी है इससे बचा जा सके और इसको टाइमली जो कीड़ा है उसको तलफ कर किया जा सके। जी व्यूअर्स, ये दूसरा फील्ड है गंदम का, इसको भी स्प्रे कर रहे हैं। ये माशाल्लाह गंदम उसकी निस्बत बहुत अच्छी है, और इसको भी तेले का स्प्रे कर रहे हैं ताकि ये सारी बीमारियों से बच सके।